हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने किसी भी आईफोन में क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप साइट मोड को आप कैसे ऑन कर सकते हैं, उसे कैसे इनेबल कर सकते हैं किसी भी आईफोन में, चाहे वो आपका आईफोन 5S ही है। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने आईफोन में सिंपली क्रोम ब्राउज़र को आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस, जब आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपने इस क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। तो गाइस, वेट करते हैं थोड़ी देर, हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाए। तो गाइस, आपके सामने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। तो गाइस, आपके सामने मैंने एक रिसेंटली एक वेबसाइट मैंने सर्च की है आईफोन 12 की। तो आपने सिंपली यहाँ पर 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपने यहाँ पर आपने क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सिंपली स्क्रॉल अप करना है इसको। तो गाइस, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, तो आपने इस ऑप्शन को आपने प्रेस कर देना है ब्राउज़र में। सो गाइस, आपके क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप साइट मोड इनेबल हो जाएगा। सो गाइस, जैसे आप अपने किसी भी आईफोन में डेस्कटॉप साइट मोड को आप इनेबल कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक कर दें, साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दे गए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।